हेलो फ्रेंड्स, कंचन की देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आलू और बड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये बड़ी हमारी घर की बनी हुई है। ये आप जानते होंगे, ये कद्दू जो होता है ये उसकी बड़ी है, और ये आलू है। इसमें मैंने ये मसाले रखे हैं। इसमें प्याज है, अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है। इस सारी चीज़ों का मैं एक पेस्ट बना लूंगी, और इस बड़ी को हमें थोड़ी 2 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, हमारा मसाला पिस गया है और ये बड़ी हमारी पानी में भीगी हुई है। इसको हम 2 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। देखिए, अब हम अपनी बड़ी को है तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ। आप चाहिए तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये अच्छी भी बनती है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, हमारी बड़ी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने कुकर में तेल डाल दिया। अब हम मेथी डाल देंगे तेल, उसके बाद ये तेज पत्ता और प्याज। एक प्याज हमने ली है छोटी मीडियम साइज की। हमारी प्याज लाल हो गई, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। जो ये हमारा पिसा हुआ मसाला है ये डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे मसाले को। इस मसाले में हमें हल्दी, नमक ये डाल के अच्छे से भूनना है इसे। ये देखिए, अब हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। नमक हमने मसाले में ही डाल दिया है। देखिए, अब हमारा टमाटर मसाले में अच्छे से घुल गया है, हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, कंचन की देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आलू और बड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये बड़ी हमारी घर की बनी हुई है। ये आप जानते होंगे, ये कद्दू जो होता है ये उसकी बड़ी है, और ये आलू है। इसमें मैंने ये मसाले रखे हैं। इसमें प्याज है, अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा जीरा है, बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी है। इस सारी चीज़ों का मैं एक पेस्ट बना लूंगी, और इस बड़ी को हमें थोड़ी 2 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, हमारा मसाला पिस गया है और ये बड़ी हमारी पानी में भीगी हुई है। इसको हम 2 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे, जिससे कि अच्छे से फूल जाए। देखिए, अब हम अपनी बड़ी को है तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ। आप चाहिए तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये अच्छी भी बनती है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, हमारी बड़ी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमने कुकर में तेल डाल दिया। अब हम मेथी डाल देंगे तेल, उसके बाद ये तेज पत्ता और प्याज। एक प्याज हमने ली है छोटी मीडियम साइज की। हमारी प्याज लाल हो गई, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। जो ये हमारा पिसा हुआ मसाला है ये डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे मसाले को। इस मसाले में हमें हल्दी, नमक ये डाल के अच्छे से भूनना है इसे। ये देखिए, अब हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। नमक हमने मसाले में ही डाल दिया है। देखिए, अब हमारा टमाटर मसाले में अच्छे से घुल गया है, हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छे।
कि फ्रेंड्स मेरी आलू बड़ी की सब्जी बन गई है और ये बहुत अच्छी बनी है। एक बार आप जरूर से जरूर बनाइएगा जैसे मैंने बताया है।